दोस्तों Redmi Note 8 Pro मॉडल है और इसमें क्या है कि बहुत बार चार्जिंग में इशू बहुत ज़्यादा आती है इस फ़ोन के अंदर। जो चार्जिंग की इशू है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा का मतलब है बहुत ज़्यादा। उसमें होता ये है कि एक जो नॉर्मल दुकानदार कोई भी हुआ, वो क्या करता है कि अगर चार्जिंग का इशू आया वो देख लेता है कि चार्जिंग एम्पेयर ले रहा है नहीं ले रहा है, उसके बाद सीधा क्या करेगा इसके चार्जर सॉकेट को ये बदल देगा, ठीक है ना। अब चार्जर सॉकेट बदलने के बाद हुआ ये, थोड़ा सा आपका नीचे का बोर्ड है जो हीट हुआ, ठीक है ना, और आपके आसपास के जो कंपोनेंट और जो भी कनेक्टर वनेक्टर है थोड़े से पिघल गए, उससे मोशन लग गया, और वो क्या आप पैक करके दोगे तो उस टाइम आपका चल जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद कस्टमर रिटर्न आता है, भैया यार 2-3 दिन तो अच्छा चला लेकिन उसके बाद फिर से ये दिक्कत आ गई। तो ये प्रॉब्लम आती क्यों है, कारण क्या है, क्यों आती है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। देखिए पहला कारण ये है इसके अंदर कि आप अगर आज से 7-8 साल पीछे चले जाओगे ना, तो उस टाइम जो फ़ोन आते थे, या फिर 7 साल 5 साल पीछे चले जाओगे ना, उस टाइम जो भी फ़ोन आते थे ना, उसमें क्या होता था कि जैसे कि ये 1 2 3 4 5 पांच पिनों को वो पॉजिटिव अपने जो वी बस की लाइन है उसके लिए देते थे, ठीक है ना, कनेक्टर के अंदर। और अब क्या हो गया है, इन लोग ने क्या किया है, साइड के जो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये साइड का पोजीशन दिख रहा है, इसमें इन्होंने वी बस की सप्लाई को दे दी है। होता ये है कि भाई कनेक्टर आपने लगाया है लेकिन ये क्या लूज़ हो जाता है, ये प्रॉब्लम करता है, ये फैल जाता है। फिर होता ये है कि आप चार्जिंग करो कि कभी चार्जिंग कनेक्ट हो रहा है, कभी चार्जिंग हो ही नहीं रहा है, कभी एक बार वोल्टेज कम निकल रहा है, फेक चार्जिंग हो रहा है, ऐसी इशू इस फ़ोन के अंदर है जो आ जाती है। और मैं एक पर्टिकुलर एक फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लगभग फ़ोन हैं लोगों को लगता है अरे यार एक तो जम्पर लगा है, ये ही दिमाग खा रहा है, लेकिन ये सच है, जो है वो है। या फिर कनेक्टर चेंज करो, आप कनेक्टर चेंज करने से बेहतर है इसको आप बाईपास कर दो, ठीक है ना। और बाईपास में जो वायर लगता है वो आपको नॉर्मल वायर है, जो अपना जंपर वायर मत लगाओ, उससे क्या होगा कि सिंगल वो इसमें वोल्टेज ज़्यादा निकलता है, 5 वोल्टेज के आसपास में जो निकलता है, और एम्पेयर भी ज़्यादा निकलने की वजह से और वोल्टेज ज़्यादा निकलने की वजह से वो जल जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है फिर वो। इसलिए क्या है, इस वायर को आप क्या करो, अपना जो ईयरफोन का वायर रहता है उसको कट करो, एक ईयरफोन ख़राब कर दो उसको कट कर करके लगाओ, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये भी अभी ईयरफोन का ही लगाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये साइड के ख़राब होने चाहिए, दिक्कत आती है आपको वी बस की सप्लाई, ये देखनी है, देखो यहाँ पे वी बस का है, यहाँ पे एक जम्पर लगा दिया, अच्छा मोटा वायर लेना है इस तरीके का। और दूसरा है जो ये देखिए, आपको क्लियर दिखेगा नीचे, ये जो जगह देखो नीचे, यहाँ से ये बॉक्स टाइप का बना हुआ है, इसके अंदर आपको ये जम्पर लगा देना है। इससे क्या होगा, आपकी लाइन और पैकिंग प्रॉपर करनी है, कहीं पे शॉर्टिंग ना हो। ये आपको अभी दिख रहा है, देखो मैंने यहाँ तक भी इसको पैक किया हुआ है, और आप ऊपर से पूरा देखेंगे आपको पैक ही मिलेगा ये कंप्लीट। और यहाँ पे भी आपको देख लेना है, नहीं तो यहाँ पे भी आपको कहीं ग्राउंड मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या है कि ग्राउंड कहीं से भी नहीं मिलाना है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए और फिर ही इसको करना है। वैसे ऐसे कोई इश्यू है नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप सबको पता रहे और ध्यान रहे कि ये प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन इसका करना है, तो वही इस वीडियो में मैंने बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे भी व्हाट्सएप पे डाल देना, ग्रुप में डाल देना, आप जिसके भी है उनको भी पता चले कि ये प्रॉब्लम आती कहाँ से। आखिरकार मैंने इस तरह के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। पर्टिकुलर क्या है कि इंसान को पता इसलिए नहीं चलता है इन लोग इनका कि अब नोट 8 प्रो से वो सर्च करेगा यूट्यूब पे तभी तो आएगा, दूसरा तो सर्च करेगा, जब उसकी प्रॉब्लम होगी तभी सर्च करता है। इसलिए अलग अलग वीडियो में मैं अलग अलग फ़ोन के लिए बनाता हूँ ताकि उनको वो मिलता रहे, ठीक है ना। वो ऐसा तो है नहीं मेरे वीडियो सबने देख लिए होंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।